हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे हॉर्स यानी घोड़े से संबंधित कुछ बातें शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया डी फॉर सी में। चलिए शुरू करते हैं। घोड़ों को करीब 6000 साल पहले पहली बार पालतू बनाया गया था। इसके बाद घोड़े किसी न किसी रूप में मानव की सेवा कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में आज भी घोड़ों के बहुत बड़े झुंड पाए जाते हैं। एक झुंड में एक नर और कई मादाएं रहती हैं। एक झुंड के घोड़े किसी एक घोड़े को अपना नेता मानकर उसके निर्देशों का पालन करते हैं। एक झुंड के घोड़े दूसरे झुंड के जीवन और शांति को भंग नहीं करते। इसी समय घोड़ों, गधों, जेबरा और खच्चर के पूर्वज एक ही हुआ करते थे। किसी तरह के संकट में नर चारों ओर से मादाओं को घेर खड़े हो जाते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं। इतिहास में घोड़ों पर लिखी गई पहली पुस्तक सात्रिहोल है, जिसे सात्रिहोल ऋषि ने महाभारत काल से भी बहुत समय पहले लिखा था। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले घोड़े का कद केवल 14 इंच और वजन मात्र 5.5 किलो था। इसे इयोहिप्पस कहा जाता है। इयोहिप्पस के आगे वाले पैरों में 4 उंगलियाँ होती थी, जबकि पीछे वाले पैरों में 3 उंगलियाँ होती थी। आमतौर पर घोड़ों का जीवन लगभग 25 से 30 वर्ष का होता है, परंतु इंग्लैंड में 1760 में जन्मा एक घोड़ा 62 साल तक जिंदा रहा, जिसकी मृत्यु 27 नवंबर 1822 को हुई। इस घोड़े को ओल्ड बिली नाम दिया गया। घोड़े के 62 साल मनुष्य के 173 साल के बराबर होते हैं। यदि आप किसी घोड़े की लंबाई नापना चाहते हैं तो ज़मीन से लेकर उसके कंधों तक की लंबाई देखनी होगी। यदि सिर नापेंगे तो सिर का नाप अलग अलग समय में अलग अलग आएगा। घोड़े का पहला साल मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है और दूसरा साल 7 साल के बराबर, तीसरा साल 4 साल के बराबर और बाकी के 2.5 साल के बराबर होते हैं। दुनिया में घोड़ों की लगभग 160 नस्लें पाई जाती हैं। इनमें से अरबी घोड़ा सबसे उत्तम होता है। घोड़े खड़े होकर और लेटकर दोनों तरह से सो सकते हैं। ज़मीन पर रहने वाले प्राणियों में से घोड़े की आँख सबसे बड़ी होती है। घोड़े की गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसके कारण वह भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते। घोड़े की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए वह एक समय में 360 डिग्री तक देख सकते हैं। मनुष्य के बाल, नाखून और घोड़ों के खुर एक ही प्रोटीन से बने होते हैं। एक अनुमान के अनुसार संसार में लगभग 6 करोड़ घोड़े हैं। घोड़े को अंग्रेजी में स्टैलिन और घोड़ी को मेर कहा जाता है। घोड़े के दांत उनके सिर में दिमाग से ज़्यादा स्थान का घेराव करते हैं। नर घोड़े में मादा घोड़ी से ज़्यादा दांत होते हैं। नर में औसतन 40 और मादे में औसतन 36 दांत होते हैं। घोड़े केवल नाक से ही सांस ले सकते हैं, मनुष्यों की तरह मुँह से नहीं। ऑस्ट्रेलिया में 1788 से पहले एक भी घोड़ा नहीं था। इसके बाद उपनिवेशी आए और इस देश में घोड़ा छोड़ गए। ऑस्ट्रेलिया में घोड़ों का आज तक कोई कंकाल नहीं मिला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स।